दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे इंसानों को देखा है, आपने भी देखा होगा, जो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, लेकिन उन्हें लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उनके पार्टनर उन्हें छोड़ देते हैं, वो अकेले रह जाते हैं। हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि क्या लोगों को अच्छी क्वालिटी नहीं दिखती होगी, और बुरे लोगों में ऐसी क्या खास बात दिख जाती है जो लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ना सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी की नहीं है, यहाँ पर रिलेशन में और लोगों के लिए आपका क्या माइंड सेट होता है, आपका क्या एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन उनका माइंड सेट अच्छा नहीं होता है, उनमें वो चीज नहीं होती जिससे लोग अट्रैक्ट हों, इसलिए लोग एक टाइम के बाद अच्छे लोगों को इग्नोर करने लगते हैं। और कुछ लोग जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनका माइंड सेट लोगों के लिए और उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए आज मैं आपको वीडियो में चार ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी बताऊंगी जो आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपने एटीट्यूड में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि लोग एक टाइम के बाद आपको इग्नोर ना कर सके लेकिन आपको प्यार इतना करें कि आपको खोने के भाव से भी डरे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास रिंग तो है लेकिन पहनने के लिए उंगली नहीं है? सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिनको उनके पार्टनर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके पास सबसे खास चीज होती है, जो पहली चीज है, करियर ओरिएंटेड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो जिन लोगों को लोग पसंद करते हैं ना, वो लोग ऐसे होते हैं, वो अपने करियर पे फोकस करते हैं, उनका मेन मोटिव होता है उनका करियर। वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर उनका पार्टनर उन्हें छोड़ भी देना तो कोई परवाह नहीं करते हैं, उसके बाद भी वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लोगों को लोग पसंद नहीं करते ना, उनमें सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो अपने करियर को छोड़ के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि अपने पार्टनर को ही सब कुछ मान लेते हैं, फिर उनका पार्टनर उन्हें इग्नोर करने लगता है क्योंकि उनमें ऐसी कोई खास बात नहीं होती। वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि उन्हें पार्टनर खुश करेगा तब वो खुश होते हैं, अपने आप में कोई खुशी का कोई माध्यम, कोई जरिया नहीं होता उनके पास। सेम इसका उल्टा होता है जिनको लोग पसंद करते हैं, वो करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो लोग सक्सेस होते हैं वो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ होती है, जो करियर ओरिएंटेड है वो सक्सेसफुल होता है और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, फिर वो सामने वाले की इतनी ज्यादा परवाह नहीं करता, इतनी ज्यादा मिन्नतें नहीं करता, इसलिए लोग उससे भाव देते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में, आपके एटीट्यूड में। दूसरी बात, जिन्हें लोग पसंद करते हैं तो वो लोग ना अपने पार्टनर के सामने अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर के सामने अपनी छवि ऐसी बना डालते हैं कि तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं है, हम बहुत लाचार है, बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं रहोगे तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी। मतलब वो इस तरह से दिखाते हैं कि उनके पार्टनर उन पे रहम करेंगे, उनसे ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। जो व्यक्ति अपनी ऐसी इमेज दिखाता है ना अपने पार्टनर के सामने, एक समय आने के बाद उनका पार्टनर उनसे बोर होने लगता है। जो लोग रोतड़ू होते हैं, जो लोग हर समय उदास रहते हैं, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपनी खुशी के लिए, उनके पार्टनर भी उन्हें ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। लेकिन इसका उल्टा, कुछ व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी, अपनी छवि ऐसा दिखाते हैं अपने पार्टनर के सामने, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी चीज से दुखी नहीं होते, हर समस्या का सलूशन उनके पास है। जब आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हो ना, तो सामने वाला भी सोचता है कुछ तो खास बात है इस व्यक्ति में। तो अपने आप को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, एक लाचार मजबूर इंसान की तरह या एक मजबूत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह, तो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा या आपको प्यार करेगा। तीसरी बात, इन्हें लोग पसंद करते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, वो लोग अपने आप को प्रूव नहीं करते, वो लोग हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जिन लोगों को लोग पसंद नहीं करते, वो अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। अगर उनके पार्टनर ने उनको कुछ बोल दिया या
किसी तरह की बात या कुछ भी ऐसा कह दिया तो वो ना उस चीज को प्रूव करने में लग जाते हैं, साबित करने लगते हैं हम सही है, हमने ऐसा नहीं किया है, मिन्नतें करने लगते हैं कि आपको गलतफहमी हो गई है। बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बात बोल रहा है ना उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों को लोग पसंद करते हैं, अगर आप उनको कुछ बोल भी दो ना तो परवाह नहीं करते, वो हर बात को साबित करने की कोशिश नहीं करते, वो कह देते हैं आपको जो सही लग रहा है, जो समझ में आ रहा है ठीक है, अगर विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनकी लाइफ में ना भी रहो ना तो भी उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप में खुश रहना जानते हैं, हर समय वो अपने आप को साबित नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनके पार्टनर को डर रहता है, अगर इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कहीं अगर ये इंसान मेरे से दूर हो गया तो मेरा क्या होगा, मतलब डर दूसरे पार्टनर के अंदर आ जाता है। और दूसरे वाले में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति डरा हुआ रहता है और वो प्रूव करने में लगा रहता है, बस यही फर्क होता है रिश्तों में। थोड़े से फर्क को अगर समझ गए ना तो रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। नंबर 4, इन लोगों को लोग पसंद करते हैं, उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होता किसी भी चीज को, रिलेशनशिप को लेके भी डर नहीं होता। जिन लोगों को लोग पसंद नहीं करते, जिन लोगों को इग्नोर करते हैं ना, वो अपने पार्टनर से डरे हुए रहते हैं कि अगर उनका पार्टनर उनकी लाइफ में नहीं रहा तो उनकी लाइफ का क्या होगा, पूरी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेड रहते हैं। और जो व्यक्ति डिपेंडेड रहता है ना वो डरा हुआ रहता है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे एटीट्यूड वाले होते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, वो अपने काम में सक्सेसफुल होते हैं, महारत हासिल किए हुए होते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, लोग उन्हें अपनी लाइफ में पाना अपनी किस्मत समझते हैं। रिलेशनशिप में जो व्यक्ति डर के जिएगा वो खुश नहीं रह सकता। रिश्ते में कभी भी डर नहीं होना चाहिए। सामने वाला भी यदि आपको प्यार करता है तो वो भी आपकी परवाह करेगा। अकेले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमज़ोर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब आप में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं। जिन व्यक्तियों को लोग पसंद करते हैं ना वो व्यक्ति कमज़ोर नहीं होते, हर तरह से पावरफुल होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो डरते नहीं हैं। भले वो लोग बुरे हो सकते हैं, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। थोड़ा बुरा दिखने वाला भी इंसान अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है ना, वो भी लोगों को पसंद आता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, अगर आप अपने माइंडसेट और अपने एटीट्यूड को ऐसा बना लेते हो तो कोई भी व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि आपको इतना प्यार करेगा कि आपको खोने से भी डरेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे DM करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और फ्री है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।